ये सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से सीबीआई की जब एंट्री होती है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उसके बाद मुंबई पुलिस को अनुमति नहीं थी कि क्राइम सीन पे जाना और सारी चीजों को मैनेज करना। उनकी जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और वो तो सुसाइड बोल भी चुके थे। अब आप इस चीज को समझो, जो व्यक्ति, जो पुलिस, जो महाराष्ट्र सरकार सुसाइड पे अड़ी हुई थी, उनको एकाएक क्या हो जाता है कि सीबीआई को केस चला जाता है, सीबीआई की जांच हो गई है, मुंबई पुलिस को कुछ नहीं करना है, लेकिन वो एकाएक भागे भागे पहुंच जाते हैं क्राइम सीन पे। और क्राइम सीन पे पहुंच के दो पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, लेकिन मीडिया क्या है, हाइपर एक्टिव थी, मीडिया वहां पे थी उपस्थित, और उनसे पूछती है तो वो बचते नजर आते हैं, जवाब देते हुए बचते हैं, कुछ नहीं बताते और निकल जाते हैं। ये बहुत गंभीर है, समझने वाली चीज है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इस चीज को गंभीरता से समझना और इस पे इशारा करना सभी की नजर में। अब पहले इस वीडियो को देखो और खुद जान लो। सर बताइए ना, क्यों आए थे सर, क्यों आए थे सर? सर क्या वजह थी सर यहाँ आने की, आप लोग क्या के हुआ आने का, आने की वजह क्या थी सर? सर अभी आने की वजह क्या थी सर? अभी अभी आने की क्या वजह? सीबीआई की टीम आ रही है इसलिए आप लोग आए सर? सीबीआई की टीम आ रही है इसलिए आप लोग आए? आप लोग क्यों आए थे सर अभी यहाँ पे? अभी तो जांच खत्म हो गई सर, मुंबई पुलिस के हाथ से निकल गई। सर बताइए ना, क्यों आए थे सर? क्यों आए थे अभी सर? एम्बुलेंस वाला आया है क्या? आ गए ना, आते आते, हाँ होली टाइम ना, आते 5 मिनट में आते। बोरे आली गए? वो आली गए सर। यहाँ पे क्यों आए थे सर? सुशांत सिंह के घर पे सीबीआई की टीम आने वाली, इसके लिए आए थे सर? जांच तो खत्म हो गई सर मुंबई पुलिस की। देखो अभी सर बांद्रा पुलिस स्टेशन से आप लोग? हेलो सर, बांद्रा पुलिस स्टेशन से हैं? बांद्रा पुलिस स्टेशन से क्या? सर बांद्रा पुलिस स्टेशन से हैं? तो आपने सुना, देखा किस तरीके से ये पुलिस वाले बच रहे थे, पहले अंदर जाते हैं। आखिर क्या करने गए हो आपके पास? अब भैया केस नहीं है, अब आप क्यों वहां पे जाके क्राइम सीन पे क्या करने अंदर घुसे, किससे बात करने, क्या मैनेज करने? ये गंभीर है बहुत ज्यादा। देखिए एक चीज समझिए, 60 दिन तक इनके पास केस था, अंदर जाते बाहर आते सब करते, लेकिन इन्होंने तो 60 दिन में, अगले दिन ही मतलब 14 को सुशांत की मृत्यु हुई, क्राइम सीन को ऑब्वियसली बात है इन्होंने सील किया, लेकिन 15 को ही इन्होंने ओपन कर दिया। मतलब आपने 24 घंटे भी पूरे नहीं होने दिए अच्छे से और आपने क्राइम सीन को ओपन कर दिया। अरे भैया अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप सबको बुला रहे हो, पूछ रहे हो, लेकिन आप तो पहले समय से ही, आप तो भैया 14 जून को जो वीडियो लीक हुआ उसके अंदर से ही आपका तो पहले से ही था कि ये सुसाइड है, जिसमें आप बात कर रहे हो कि अगर ये वीडियो लीक हो गया तो इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। तो आप शुरुआत से पूरी की पूरी मंशा के साथ थे शुरू से कि भाई ये तो सुसाइड है, तो वो ये कि नेक्स्ट डे इन्होंने ओपन कर दिया क्राइम सीन। अब यहीं पर इनका गंदा चेहरा आपके सामने है। अब समझिए, इतना ही नहीं है, ये क्राइम सीन को ओपन कर देते हैं, उसके बाद जब सीबीआई की एंट्री हो जाती है वापस पहुंच जाते हैं। अब इनको क्राइम सीन की चिंता हो रही है। अब यहाँ पे तो चलो मीडिया उपस्थित थी, पहुंच गई थी, लेकिन ये दोबारा जाते हैं, दूसरे पुलिस वाले अंदर वापस जाते हैं, और वहां पे जब फिर मीडिया, देखो पहले उतरते हैं, अंदर जाते हैं, गार्ड से कुछ बात करते हैं, लेकिन मीडिया फटाफट वहां पर पहुंच जाती है। अब मीडिया जैसी पूछती है आखिर आप क्या बात करते, कहते मैं तो गार्ड से पानी पीने के लिए पूछना था। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर कोई आने वाला है क्या यहाँ पे? सर कोई आएगा? अरे कौन आने वाला?
पानी के लिए आया था, बोला पानी बोतल भरे, बोला नहीं होगा। अच्छा सर, कोई जानकारी है, कोई आ सकता है क्या यहाँ पे? मुंबई पुलिस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माइक गार्ड से बात की है? नहीं नहीं, कहीं नहीं। पानी साठी गेलो होते, पानी आम्ही घेतो ना इथन पियाला। अच्छा, तो पानी लेने के लिए गए थे भाई। को समझ में नहीं आया मुंबई में पानी कितनी कितनी किल्लत हो गई भाई। यहाँ पे बाढ़ आती तो है, कहीं भी मुंह डाल दो, लेकिन तब भी कि इनको पानी नहीं मिला और ये सीधे बोतल लेने जाते हैं किससे? मतलब इनको मुंबई पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन से इन्हें सीधे जाना पड़ता है कहाँ पे? पानी पीने के लिए सुशांत के उसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड से बात करने। आखिर क्या है, क्या साजिश चल रही थी? ये सारी साजिशें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि बिल्कुल चली है। अब इसके बाद आप लोग सो रहे हो अगर और ये बोलते फिर रहे हो कि ये सुसाइड है तो मूर्ख हो, इसीलिए जाग जाओ, जागना बहुत जरूरी है। कल को आपका कोई अपना होगा तो भैया बहुत पछताओगे, तो आज बोलो, बहुत जरूरी है, सत्य बोलो। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।